नमस्कार, नरेंद्र अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें समास टॉपिक में बहुव्रीहि समास का अध्ययन करना है। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और उसके दोनों पद मिलकर अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ देते हैं। शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि उन दोनों शब्दों का पदों का, जैसे कि त्रिनेत्र है तो शाब्दिक अर्थ हुआ तीन नेत्र। तो ये अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अद्वितीय वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं। और इस श्वास का यदि आपको विग्रहित पद दे रखा है तो उस विग्रह में है जिसके या है जो वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। अब इसको देखते हैं उदाहरण समासिक पद में, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ तीन नेत्र। लेकिन जैसा कि पहले बताया कि बहुव्रीहि समास के पद अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ते हैं तो शाब्दिक अर्थ तो तीन नेत्र है। शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ क्या करें, तीन है नेत्र जिसके, तो तीन है नेत्र जिसके इसका मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु और यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति शिव उसकी ओर संकेत है। तो ये स्थिति बहुव्रीहि समास में होती है। यहाँ पर ध्यान रखें, कन्फ्यूज ना हो जाए कि त्रि पहला पद संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची द्विगु समास में भी होता है। लेकिन द्विगु समास में दोनों पद हैं वो कोई विशेष अर्थ नहीं देते, वो किसी अद्वितीय वस्तु या प्राणी की ओर संकेत नहीं करते। जबकि बहुव्रीहि समास में पहला पद यहाँ पर संख्यावाची, फिर भी ये दूसरे पद के साथ मिलकर सीधा शिव की ओर संकेत कर रहा है। इस कारण पहला पद संख्यावाची होने के उपरांत भी बहुव्रीहि समास का ही होगा, न कि द्विगु। दूसरी स्थिति ये देख लिया कि पहला पद, जैसे आपको मान लो विग्रह दे दिया जाए और उसमें पहला पद संख्यावाची मिल जाए तो आप अंतर किए नहीं किसको द्विगु कर दिया, उसमें देखना कि द्विगु के तो दोनों पदों के बीच में है जो या है जो का प्रयोग होता है, जबकि बहुव्रीहि में जिसके या जिसके शब्द का विग्रह में प्रयोग होता है। अगला देखते हैं दस आनंद, दस है आनंद जिसके, आनंद का मतलब है चेहरा। तो दस चेहरे, तो ये दस चेहरे किसके हैं, रावण के। तो यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची है फिर भी ये द्विगु का नहीं होगा क्योंकि दोनों पद मिलकर विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ, यदि इसका विग्रह आपको प्रश्न में दिया गया हो, विग्रह यू हो कि दस है जो आनंद, दस है जो आनंद, तो आपको द्विगु ही मानना होगा। लेकिन विग्रह नहीं दिया गया, डायरेक्ट समासिक पद दिए गए हो तो त्रिनेत्र दस आनंद इनमें बहुव्रीहि समास ही मानना है। फिर एक गंत, तो पहला पद इसका संख्यावाची है लेकिन वो इस तक इसमें है, एक है दंत जिसके, गणेश के लिए संकेत किया गया। यहाँ पर ध्यान रखें एक तक संख्या एक वचन तो है और एक से ज्यादा जैसे तीन है दस है तो ये है हो जाए, बहुवचन है रूप होता है, एक वचन है रूप होता है। वीणा पाणी, तो यहाँ पर वीणा जो वाद्य यंत्र है, पाणी का मतलब हाथ, वीणा है पाणी में हाथ में जिसके, तो सरस्वती के लिए संकेत है। गज आनंद, गज के जैसा है आनंद जिसका, गज के जैसा है आनंद जिसका, तो यहाँ पर भी ये विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का अर्थ होता है पेट, ये भी गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है। पवन पुत्र, पवन का है जो पुत्र, बजरंगबली हनुमान उसकी ओर ये पद संकेत कर रहा है। कमलासन, कमल त्रस्त आसन, आसन का मतलब होता है बैठना विराजमान होना, तो कमल पर है जो आसन वह सरस्वती वस्तु के। चक्र पाणी, तो चक्र है पानी में जिसके, पानी का मतलब हाथ विष्णु। इसी प्रकार सूर्य पाणी, ये दोनों पद भी एक जैसे ही है। यहाँ पर देखिए परीक्षा में जैसा कि बार बार बताऊँ कि प्रश्न दो प्रकार से आता है, एक प्रश्न में तो आपको समासिक पद दिए जाते हैं, विग्रह पूछा जाता है, और दूसरे प्रश्न में विग्रहित पद दिए जाते हैं और उसका आपको समस्त पद बनाना आता है। तो विग्रहित पदों में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यह है कौन से समास का, क्योंकि प्रत्येक समास के जो विग्रहित पद मिलेंगे उनकी कोई ना कोई पहचान सूचक शब्द उस विग्रह में मिलते हैं। जैसा कि बहुव्रीहि समास है, इसके विग्रहित पदों में है जिसके, है जो, इन शब्दों का प्रयोग विग्रह में 100% आपको मिलेगा। तो वो देखकर आप पहचान जाओगे कि ये बहुव्रीहि समास है। फिर दूसरा इसमें प्रश्न आपको करना होगा उसका समस्त पद बनाना होगा। समस्त पद बनाने के लिए आपको उसमें दो महत्वपूर्ण जो पद उनको चुनना है, बाकी के जो शब्द लगे उनको हटा देना। अब जैसे चंद्र है शेखर पर जिसके,
यहाँ शेखरा मतलब शिखर यानी सिर पर, तो शिव के है चंद्रशेखर, शिव को कहा गया तो यहाँ पर कर देंगे चंद्रशेखर। यहाँ ध्यान रखें कि इसका प्रयोग किसके लिए हुआ, उसका नाम समस्त पद में नहीं लिखना, कहीं आप इसको शिव लिख बैठे, इसी में से दो महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों को लेना है। तो चंद्रशेखर विग्रह में चंद्र है, शेखर पर, शेखर पर मतलब सिर पर जिसके, तो शिव के लिए संकेत है। नीला है कंठ जिसका, ये भी शिव के लिए है, इसको कर देंगे नीला है कंठ। अब यहाँ पर है और जिसका, इन दोनों को हटा देंगे क्योंकि बकरे समास के विग्रह में इनका प्रयोग होता है, इन दोनों को हटा देंगे, दो शब्द बचे नीला कंठ। अब इसको मिला देंगे, संधि कर देंगे, तो रहेगा नीलकंठ। इसी तरह से घन के समान श्याम है जो, तो इसमें के समान और है जो को हटा देंगे, घन श्याम से इसमें। यहाँ पर ध्यान रखें ये दो प्रकार से होता है, यदि आपको विग्रह मिल दिया गया हो कि घन के जैसा है जो श्याम, तो ये बहुवचन डाल दिएगा, लेकिन विग्रह यू हो कि श्याम है जो घन रूपी, तो ये बहुवचन समास का नहीं है। फिर है चार है भुजाए जिसके, तो चार भुजाए विष्णु के बन जाती है, तो इसमें से वो इस तरह की जाएगी, इनको हटा देंगे और चार भुजा, अब चार भुजा सब नहीं रखना, फिर इसको चतुर्भुज करना है, चतुर्भुज ये यहाँ पर ध्यान रखना है, तत्सम रूप रखना है, ये चार तत्पूर्ण रूप है, तो चार भुजाएं जो कहते हो नहीं रखना, क्योंकि चार भुजा ऐसा कोई समस्त पद नहीं होता है, ये अशुभ माना जाता है चार भुजा पर, इसको चतुर्भुज करेंगे। महान है आत्मा जिसकी, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाता है, इसमें भी वो स्थिति है, इनको हटा देंगे, महान, महान आत्मा नहीं लिखेंगे, क्यों महान आत्मा को मिलाते हैं तो महात्मा होता है, तो समस्त पद बनाते समय उनका संधि करना है, जीव के तो नहीं लिखना है, क्योंकि महान आत्मा ये एक पद नहीं बनता है, ये तो किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब इसको विग्रह करते हैं तब अलग अलग हो जाता है, एक पद बनाते हैं तो महात्मा ही बनता है। इसमें ध्यान रखें यदि आपको परीक्षा में समस्त पद दिया गया हो, समासिक पद दिया गया हो महात्मा, फिर कहा जाए इसका विग्रह करना है, तो आपको इसका विग्रह इसके अनुसार नहीं करना है, फिर आपको इस महात्मा का विग्रह करना है, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, अब दोनों पदों के बीच में है जो का प्रयोग करना है, ये होता है। तो यहाँ पर यदि आपको समस्त पद दिया गया हो महात्मा का, तो उसको इस प्रकार से विग्रह नहीं करना है और ना ही उसमें विरोधी समास बताना है, लेकिन आपको प्रश्न में विग्रह करके दे दें इसके अनुसार, तो पद बन जाएगा महात्मा, फिर महात्मा पद को देख कर ये मत मान लेना कि यहाँ पर विग्रह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ विग्रह की स्थिति क्या है उसको देखना है, यदि विग्रह में दोनों के बीच में है जो मिल जाए तब ठीक है क्रम बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर है जिसका या जिसकी इस प्रकार के शब्द है वो केवल भक्ति में होते हैं। फिर है गिरी को धारण करने वाले, गिरी का मतलब था पहाड़, अब पहाड़ को धारण श्री कृष्ण ने कर रखा है, तो यहाँ पर इसको गिरिधर जैसे करेंगे समस्त पद बनाएंगे तो गिरिधर हो जाएगा, श्री कृष्ण के लिए इसका प्रयोग हुआ। इसी प्रकार पत्ते झड़ते हैं जिसमें वह है, तो एक विशेष ऋतु पतझड़ के लिए संकेत है, क्या हो जाएगा पतझड़। इसी तरह श्वेत अंबर है जिसकी, अंबर का मतलब वस्त्र कपड़े है, और श्वेत वस्त्र सरस्वती के लिए। चतुरानंद चार है आनंद जिसके, आनंद का मतलब कोई चेहरा, तो ये बबरी हो जाएगा। निशाचर, निशा मतलब होता है राम की, निशा में चेता मतलब विचरण करना है घूमना, निशा में विचरण करने वाला राक्षस के लिए कहा जाता है ये बबरी। मुरलीधर, मुरली को धारण कर रखा है जिसने, या मुरली को धारण करने वाला, तो ये श्री कृष्ण के लिए है, ये भी बबरी समास के लिए। इस प्रकार से बबरी समास में ध्यान रखना है कि यदि आपको समासिक पद दिए गए हों तो उसमें ये देखना कि दोनों पद मिलकर अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करें, और वो विशेष अर्थ भी ऐसा कि उसके समान कोई दूसरा और प्राणी नहीं है, किसी विशेष समुदाय या प्राणी की ओर संकेत करें। और यदि विग्रहित पद दे रखा तो आपको केवल याद रखना है जिसके या है जिसका इत्यादि शब्दों का प्रयोग यदि आपको मिले, या फिर अंत में है जो का प्रयोग भी, जैसा कि सुधार में है घन के समान है जो, अब ये है जो का प्रयोग यदि दोनों पदों के बीच में हो तब तो क्रम अलग हो जाएगा, लेकिन अंत में हो तो वो बहुव्रीहि समास की स्थिति होती है। तो विग्रहित पद मिले तो बहुत आसानी है पहचानने में, बहुव्रीहि समास होगा,
फिर उसका समस्त पद बनाएंगे तो उसमें केवल दो महत्वपूर्ण जो पद या शब्द है उनको चुन लेंगे, उनकी संधि कर लेंगे और उनसे ऐसा शब्द बनाएंगे जो शब्द वर्तनी लेखनी की दृष्टि से शुद्ध बनता हो। इस प्रकार से आपका गोभी समास हो जाएगा।